डॉक्टर विनायक सेन छत्तीसगढ़ की दल्ली राजारा में मजदूरों की अपने अस्पताल शहीद अस्पताल में एक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। वह धमतरी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए भी एक क्लिनिक चलाते हैं। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ PUCL का महासचिव तथा राष्ट्रीय PUCL का उपाध्यक्ष भी है। डॉक्टर विनायक सेन का जन्म कलकत्ता में सन 1950 में हुआ। सन 1966 में उन्होंने वेल्लोर के प्रसिद्ध क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के MBBS कोर्स में प्रवेश लिया। वहां वे एक मेधावी छात्र रहे और सत्य और प्रासंगिकता की सतत खोज में जुटे रहे। उसके बाद उन्होंने बाल स्वास्थ्य में MD कोर्स उच्च अंकों से पास किया। वेल्लोर छोड़ने के बाद डॉक्टर विनायक सेन ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सोशल मेडिसिन सेंटर में काम किया। वहां उन्होंने स्वस्थ निधियों के सामाजिक विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में एक ग्रामीण स्वस्थ कार्यक्रम में काम किया, जहाँ उन्होंने TB रोग की समस्याओं पर ध्यान दिया। इसी दौरान उन्होंने मेडिको फ्रंट सर्कल के साथ देश की कई सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। सन 1981 में छत्तीसगढ़ में मजदूर नेता शंकर गुहानियों की गिरफ्तारी NSA नाम का एक काले कानून के तहत हुई। PUCL की एक टीम इस बारे में खोज करने दिल्ली राजारा पहुंचे। डॉक्टर विनायक सेन भी उसके एक सदस्य थे। उसके बाद वे दिल्ली राजारा आ गए और शंकर गुहानियों के नेतृत्व में संगठित छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ CMSS के साथ काम करने लगे। डॉक्टर सेन जो दिल्ली राजारा में आए तो उस समय शंकर गुहानियों की उन्होंने जो है अरेस्ट हो गया था, उन्होंने NSA में अरेस्ट था। उस समय मजदूरों ने काफ़ी दिक्कत में था, माइंस भी बंद था। उस समय उन्होंने किशोर भारती MP में काम करता था, मध्य प्रदेश में जो है होशंगाबाद में काम करता था, वहीं से उन्होंने आया था जो मजदूरों का स्थिति देखने के लिए। और उस समय उन्होंने जब देखा जो इधर अस्पताल बन रहा है तो उन्होंने एक तय किया था जो भविष्य में जो है आके जो है उन्होंने इधर काम शुरू करेगा। आज 100 बिस्तर का यह अस्पताल एकदम सस्ती दर पर हजारों ग्रामीण आदिवासी जनता को अच्छी स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। संगठन मजबूत हुआ और उसी बीच में लड़ाई चलते चलते कुसुमबाई का एक डिलीवरी था, डिलीवरी का टाइम आया तो BSP अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए ले गया, वहाँ उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में वहाँ का डॉक्टर लोगों का गलती पाया गया तो नियोगी जी सोचे और मजदूरों के साथ में संगठन में बात तय किया कि हम लोग भी एक